सो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स अपना पार्ट नंबर थ्री फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का. ओके, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम ऑलरेडी दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, तो उसका पार्ट नंबर थ्री हम लोग देखेंगे. देखो, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे कि हमारे पास जितने टॉपिक्स थे, मैंने टॉपिक्स का नाम बताया था, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर रिकॉर्ड होता है ना. उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने बेटा पीएनएल अप्रोप्रिएशन देखा था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं. ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और टाइम रहा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग देखेंगे. थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, टॉपिक ज्यादा है, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा सा क्लास नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा लगती है. ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, भाई ड्रॉइंग्स पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. अब ये ध्यान होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक बताया था मैंने अप्रोप्रिएशन और एक बताया था मैंने आपको चार्ज. चार्ज का मतलब क्या बताया था, कंपलसरी. चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपलसरी. और यहां पर हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अप्रोप्रिएशन होता है. क्या होता है, इट इज एन अप्रोप्रिएशन. तो ये कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होता है बेटा, ये रिकॉर्ड होता है किसमें, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. और जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी उनको पता होगा कि ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता था. क्यों आता था क्रेडिट साइड में, बिकॉज ये फर्म के लिए क्या है, उसका गेन. फर्म के लिए क्या होता है, उसका गेन. क्यों, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स किसने की, पार्टनर्स ने. फर्म से पैसा निकाला तो उन ड्रॉइंग्स पर पार्टनर फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा. जब पार्टनर फर्म में पैसा लगाता था, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करता था, देन इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, उसको कुछ परसेंटेज यानी कि कुछ रेट की क्या मिलती थी, इंटरेस्ट मिलती थी उसकी कैपिटल पर. और अगर पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर गिवन है तो पार्टनर्स अपनी ड्रॉइंग्स पर जितनी वो ड्रॉइंग्स कर रहा है उस पर क्या पे करेगा, वो इंटरेस्ट पे करेगा. और वो इंटरेस्ट क्या होती है, अप्रोप्रिएशन. ओके, क्या होती है वो, अप्रोप्रिएशन. और बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, उसका गेन. क्या होता है फर्म का, गेन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा फर्म के लिए उसका क्या होता है, गेन होता है. इतनी बात समझ में आ गई. ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट करनी है तो इंटरेस्ट आप प्रैक्टिकली लाइफ में करो या ये बुक से आप करो. तो देखो कैसे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड है, दैट इज अमाउंट. क्योंकि इंटरेस्ट किस पे लगेगी, अमाउंट पे. तो आपको क्वेश्चन में ये अमाउंट गिवन होगा, है ना. अमाउंट, इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होगी बेटा, अमाउंट के ऊपर लगेगी इंटरेस्ट. तो अमाउंट. दूसरा, इस इंटरेस्ट का अपना कोई ना कोई क्या होता है, रेट. इंटरेस्ट का क्या होता है, अपना कोई ना कोई रेट. तो इनटू रेट, और रेट में अपॉन में क्या होता है, 100. और इंटरेस्ट जो आप पे करते हो वो टाइम के अकॉर्डिंग पे करते हो, पांच महीने, चार महीने, छह महीने, दस महीने, पूरा साल. ओके, टाइम. तो टाइम जितने टाइम की, अपॉन, अपॉन में क्या आता है, 12. अपॉन में क्या हो गया, 12. तो बेटा जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, वेदर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको क्या पता होना चाहिए, अमाउंट पता होना चाहिए, दूसरा रेट पता होना चाहिए, तीसरा टाइम के कितने टाइम पीरियड की इंटरेस्ट लगेगी, कितने टाइम पीरियड की इंटरेस्ट चार्ज होगी, ये टाइम भी आपको पता होना जरूरी है. ठीक, तो ये बेटा अब देखो, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा. ओके, ये तो फॉर्मूले में है ही, आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, टाइम. आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, ये टाइम आपको कैलकुलेट करना है. ये टाइम अगर आपको पता चल जाए तो आप इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन हाँ, इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ हिंट्स क्वेश्चन के अंदर मौजूद होंगी. ठीक है, तो यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, अलग अलग केसेस देखेंगे. तो आइए वो केसेस देखते हैं बेटा, कि अलग अलग केसेस वो कौन से हैं. ठीक है, ओके, तो केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन है बेटा हमारे पास, अमाउंट, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन इन द बिगिनिंग, अमाउंट विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. बेटा हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट विड्रू कर रहे हैं कब, हर मंथ के किसमें, हर मंथ के किसमें, बिगिनिंग में, हर मंथ के बिगिनिंग में. तो हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को. हमारा ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को, और कहां तक क्लोज होगा वो, 31 मार्च. ओके, तो हमारा ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, ठीक है, और कहां तक जाएगा ये, 31 मार्च तक. अब जरा समझो क्या कह रहा है, एवरी मंथ, हर महीने के किसमें करनी है आपको,
बिगिनिंग में, हर महीने के किस में करनी है, बिगिनिंग में। तो आपको बेटा यहां पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वो है टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी कि पहली ड्रॉइंग करने के बाद जो टाइम बचेगा वो, फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। और बेटा इन दोनों के सम को टू से क्या कर देंगे हम, डिवाइड। या फिर स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11th में पढ़कर आयोगे, अभी पढ़ोगे आप भाई, एक होती थी अपर लिमिट, एक होती थी लोअर लिमिट। अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू। तो यहां पर भी समझ लो हमें मिड वैल्यू निकालनी है, यानी कि पहली ड्रॉइंग करने के बाद जो टाइम बचेगा वो चाहिए और आखिरी ड्रॉइंग करने के बाद जो टाइम बचेगा वो चाहिए। इन दोनों के सम को किससे डिवाइड कर देंगे आप, टू से, ठीक। ओके, पहली ड्रॉइंग। अब देखो एक्चुअली ना बताओ, अमाउंट विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बड़ा यहां पर हम हर मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हैं, तो पहली ड्रॉइंग किस डेट में होगी, फर्स्ट अप्रैल। भाई पहला महीना कौन सा है, अप्रैल, और अप्रैल के किस में होगी, बिगिनिंग में, यानी कि पहली ड्रॉइंग हो गई। तो आपका जो कंसंट्रेशन है इसे कैलकुलेट करते हुए बेटा कहां होना चाहिए, पहली ड्रॉइंग और आखिरी ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग पहले महीने में और आखिरी ड्रॉइंग आखिरी महीने में, पहली ड्रॉइंग पहले महीने में और आखिरी ड्रॉइंग आखिरी महीने में, पहली ड्रॉइंग पहले महीने में, ओके, पहली ड्रॉइंग पहले महीने में, लेकिन कब, बिगनिंग में, यानी कि पहले महीने की बिगनिंग क्या होगी, 1 अप्रैल। बेटा 1 अप्रैल को जब आपने ड्रॉइंग कर ली तो कितना टाइम बचेगा, 12, फिर प्लस का साइन। और अब कहां पे ध्यान होना चाहिए आपका, आखिरी ड्रॉइंग पर। अब किस पर, आखिरी ड्रॉइंग, आखिरी ड्रॉइंग कौन से महीने में, आखिरी महीने में, और आखिरी महीना कौन सा होता है, मार्च, लेकिन मार्च का भी क्या, बिगिनिंग, यानी कि फर्स्ट मार्च। तो क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया बेटा टाइम, 6.5, ये टाइम आया, और अपॉन में क्या लिखा हुआ वहां पे, 12, अपॉन में क्या लिखा हुआ बेटा, 12, तो 6.5/12। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी पूछ भी लिए जाते कि भाई अगर हर मंथ के बिगिनिंग में अगर ड्रॉइंग हो रही है तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, कितना होगा बेटा, 6.5। बताओ क्लियर है सबको, आ गया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी बताए बेटा, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको बोल देना कि स्टोर में जाके क्लास मिलेगी, स्टोर में, बीकॉम वाले बैच में, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर नेक्स्ट केस नंबर 2 पे चलते हैं, केस नंबर 2, ठीक है, चलिए केस 2। बेटा केस 2 ये कहता है अमाउंट, अमाउंट विड्रॉन, अरीब यहां तक क्लियर है, अमाउंट विड्रॉन इन द मिडिल, अमाउंट विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, बेटा हर मंथ के किसमें, हर मंथ के किसमें, मिड में, हर मंथ के मिड में, यानी कि हमारे पास बेटा मैंने बताया था यहां पर दो चीजें ध्यान रखो, पहली ड्रॉइंग पहले महीने में, आखिरी ड्रॉइंग आखिरी महीने में, यानी कि अप्रैल में ड्रॉइंग होनी और मार्च वाली ड्रॉइंग आपको लेनी है। लेकिन अब कब हो रही है ड्रॉइंग, मिडिल में, यानी कि बेटा अप्रैल का मिड क्या होगा, 15 अप्रैल। तो पहली ड्रॉइंग कब हो रही है, 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को जब ड्रॉइंग हुई तो कितना टाइम बचेगा, 11.5, कितना बचेगा, 11.5, फिर साथ में क्या था, प्लस आखिरी ड्रॉइंग बताओ कब होगी, अब कौन से महीने में, 15 मार्च, तो क्या बचेगा, आधा महीना, क्या बचेगा, हाफ, तो हाफ यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 को 2 से डिवाइड करो बेटा कितना आया, 6, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 12, 6 तो टाइम हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, 12। बताओ क्लियर है, आगे समझ में, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी बताए बेटा क्लियर है सभी को, ठीक है। अगला केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 है बेटा हमारा अमाउंट, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, नादिर हर मंथ के किस में हो रही है, एंड में, पहला महीना कौन सा, अप्रैल, अप्रैल का एंड क्या होगा, 30 अप्रैल, यानी कि पहली ड्रॉइंग कब हो गई बेटा, 30 अप्रैल को, इसके बाद कितने महीने बचे, 11, इसके बाद कितने महीने बचेंगे, 11, ठीक, ओके, प्लस आखिरी ड्रॉइंग, आखिरी ड्रॉइंग कौन से महीने में, मार्च में, मार्च के किस में, एंड में, यानी कि कब,
31st मार्च तो क्या बचेगा, जीरो डिवाइडेड बाय टू कितना आ जाएगा 5.5 अपॉन में 12। ठीक, क्लियर होगी बात। अब देखो बेटा, हम यहां पर देखो किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं, जरा चेक करो, एवरी मंथ, हर महीने की बात कर रहे हैं, यानी कि हर महीने का मतलब ये बात कर रहे हैं हम हर एक महीने की, ओके। और इन सबको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, टू से। तो बेटा वन को टू से डिवाइड कर दो तो कितना आता है 0.5। अब जरा इन तीनों केसेस में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, वहां पे 6.5 है 0.5, फिर इसमें 5.5, बताओ क्लियर है। तो ये हो गए महीने के तीन केस, जिसमें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का में क्या आता है 6.5, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6 और एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5। क्लियर हो गया सबको, ये हो गया टाइम पीरियड, ठीक, किसका, मंथ का, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, ठीक है। अब बेटा देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर फोर है अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बेटा साल में कितने क्वार्टर होते हैं, चार। एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, तीन महीने का, पहला अप्रैल, मई और जून, इट इज द क्वार्टर वन, ठीक है। दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, नेक्स्ट अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, नेक्स्ट जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, ओके। ये कितने क्वार्टर हो गए, चार, है ना। तो अब यहां पर देखो केस क्या कहता है, हम ड्राइंग कर रहे हैं किसमें, हर क्वार्टर में, लेकिन हर क्वार्टर की किसमें, बिगिनिंग में, और हमें तो दो ही चीजें चाहिए। अब पहले उसमें जो के मंथ वाला केस था, उसमें पहले महीने में ले रहे थे और आखिरी महीने में, यहां पे कब लेंगे, अब मंथ की जगह क्या है, क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर में और आखिरी क्वार्टर में, किसमें, पहले क्वार्टर में और आखिरी क्वार्टर में, क्लियर है इतना, ठीक है। आप बताओ बेटा पहली ड्रॉइंग कब होगी, फर्स्ट अप्रैल, कब होगी, फर्स्ट अप्रैल। तो फर्स्ट अप्रैल में ड्रॉइंग हो गई, कितने महीने बचेंगे, 12, कितने महीने बचेंगे, 12। फिर साइन किसका आएगा, प्लस का, फिर साइन किसका आएगा, प्लस का। नादिर, आखिरी ड्रॉइंग कब होगी, आखिरी क्वार्टर में, आखिरी क्वार्टर में, लेकिन आखिरी क्वार्टर की किसमें, बिगनिंग में, तो यानी कि कब, जनवरी, कब, जनवरी, कौन सी जनवरी, फर्स्ट, कितने महीने बचेंगे, 3। तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, थोड़ा 15 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 7.5 अपॉन में क्या आ गया, 12, बताओ क्लियर है, आ गई बात समझ में, ठीक है। अगला केस नंबर फाइव अमाउंट विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की किसमें, मिड में, हर क्वार्टर की किसमें, मिड में, ठीक है। बताओ पहली ड्रॉइंग कब होगी, आप बताओ, फर्स्ट में, तुम 15th में, कब होगी, 15th में, क्या लिखा हुआ है, हर क्वार्टर के मिड में, तो पहला क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल, मई और जून, ये तीन महीने का क्वार्टर होता है ना, तीन महीने का मिड क्या होगा, डेढ़ महीना, डेढ़ महीना कब कंप्लीट होगा, 15 मई को, तो पहली ड्रॉइंग कब हो रही है, 15th में, तो मई में आपको आधा महीना मिला, बाकी जून से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं, 10 महीने, तो कितने महीने बचे पहली ड्रॉइंग करने के बाद, 10.5, या फिर ऐसा कर लो सिर्फ डेढ़ महीना है तो खत्म हुआ है उधर, तो 12 में से डेढ़ गए तो कितना बचेगा, 10.5 प्लस, एक्चुअली ना आखिरी ड्रॉइंग कौन से क्वार्टर में होगी, 15th फेब, यानी कि आखिरी क्वार्टर में, और आखिरी क्वार्टर के किसमें, मिड में, समझ में आ गया, ठीक है। तो कितना बचेगा, 1.5। तो बेटा ये हमारे पास हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 6/12, कितना आ गया, 6/12, क्लियर है, ठीक।
अगला और इसका आखिरी केस, ठीक है, अमाउंट अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बेटा हर क्वार्टर के किसमें, एंड में, हर क्वार्टर के किसमें, एंड में। अब देखो यहां पर बेटा हमारा सबसे पहला क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल मई जून, इसके किसमें, एंड में, यानी कि कब, 30 जून को। कितना टाइम बचेगा, 9 मंथ्स, ठीक है। फिर साइन किसका, प्लस का। फिर आखिरी ड्रॉइंग कौन से क्वार्टर में, आखिरी क्वार्टर में, और आखिरी क्वार्टर के किसमें, एंड में, यानी कि मार्च में, डिवाइडेड बाय 2, 4.5 अपॉन 12, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका, हम यहां पर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं क्वार्टर में, ठीक है। अब 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया, 1.5। अब बेटा जरा चेक कर लो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 1.5 का क्या आ रहा है, डिफरेंस। अब एक और चीज दिखाता हूं आपको, देखो ये क्या था, अमाउंट विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, कितना था इसका टाइम, 6.5, ठीक है। और यहां पर भी जरा देखो, अमाउंट विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ कितना है, 6/12 है। तो यानी कि चाहे मिडिल, चाहे आपके पास क्वार्टर का मिडिल हो या फिर मंथ का मिडिल हो, तो आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 6/12। बताओ क्लियर है, बात आ गई इतनी समझ में, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट, हमारे पास बेटा कभी कभी, हमारे पास कभी कभी टाइम पीरियड गिवन नहीं होता था, हमारे पास क्वेश्चन में कभी कभी क्या गिवन नहीं होता, टाइम पीरियड गिवन नहीं होता, तब हम टाइम पीरियड कितना मानते हैं, 6/12, यानी कि कितने महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 6 मंथ्स की। बट ध्यान देना बेटा, मैंने आपसे सवाल पूछा, एक सवाल है सारे स्टूडेंट से, ठीक है, एक सवाल ऑनलाइन ऑफलाइन सारे स्टूडेंट से, बताना बेटा, ए ए ड्रू, ए ड्रू 1 लाख, ए ड्रू 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ए ड्रू 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ओके, इंटरेस्ट का रेट है एट द रेट 6% पर एनम, एट द रेट 6% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट बताओ बेटा, कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर रहे 3000, बाकी कुछ और भी आंसर करिए, करिए बेटा आंसर, 3000, हां जी आंसर 3000 आएगा, सॉरी बेटा, 1 लाख का 6% कितना हो गया, 6000, और अभी मैंने कहा जब कोई टाइम पीरियड गिवन ना हो तो कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का कितना, 3000, क्लियर है, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये जरा समझो, इंपॉर्टेंट चीज बेटा, आप 6 महीने का तभी कैलकुलेट करोगे, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देते हैं बस, फिर आप लोग आंसर बताना बेटा, ओके। ये हमारे पास ए, ए ड्रू 1 लाख, ए ड्रू 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, और इंटरेस्ट है बेटा, इंटरेस्ट एट द रेट 6%, इंटरेस्ट एट द रेट 6%, बताओ क्या होगा आंसर, आंसर बताओ कितना होगा, कुछ चेंज है इसमें, बस पर एनम बेटा, पर एनम से इतना फर्क पड़ जाएगा आपके क्वेश्चन में, जब भी पर एनम गिवन हो और कोई टाइम पीरियड गिवन ना हो तो बेटा कितने महीने की कैलकुलेट करोगे, 6 मंथ्स की, और जब कोई टाइम पीरियड गिवन ना हो बट इसके साथ सिर्फ परसेंटेज हो, पर एनम ना हो, तो पूरे साल की, होल, ओके, होल ईयर की कैलकुलेट करोगे। तो यहां पर आंसर कितना आ रहा था आपका,
3000 और यहां पर आंसर आपका कितना होगा 6000, इतना फर्क पड़ जाएगा बेटा सिर्फ पर एनम से। और ये तो आपके दिमाग से आंखों से छूट ही जाता है, आप तो सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान देते हो। अभी टेस्ट कॉपी दिखाऊंगा आपकी, टेस्ट कॉपी जितने लोगों ने टेस्ट दिया है। और सीरियसली मैंने ये श्योर सक्सेस बैच कहा था आपसे, लेकिन और उसके ऊपर भी एक शर्त रखी थी, बताओ क्या? नहीं, ध्यान करो क्या कहा था। टेस्ट में कितना आना चाहिए, कितने परसेंट बोले थे? 50 50। मैंने कहा 50 भी ले आओ, बात तो 60 की बोली थी मैंने, है ना। अभी कॉपीज दिखा दूंगा आपकी। 70 नंबर का टेस्ट था, एक बच्चे के 20 से ऊपर है, ये ध्यान रखो, एक बच्चे के सिर्फ 20 से ऊपर है, सिर्फ एक बच्चे के। और आप लोग के पास जो नहीं आए थे उनके पास बहुत बड़े एक्सक्यूजेस होंगे कि टेस्ट क्यों नहीं दिया उन्होंने। 32 बच्चों में से 6 बच्चों ने टेस्ट दिया था सिर्फ, और तुमसे ज्यादा तो ऑनलाइन वाले बच्चों के मार्क्स हैं और उन्होंने तुमसे ज्यादा टेस्ट अपीयर किए। किस बात का श्योर सक्सेस बैच? मार्क्स आ नहीं रहे, एक बच्चे के 20 प्लस से ऊपर है, बाकी किसी के नहीं है। तो परसेंटेज के साथ अगर पर एनम है तो कितने मंथ्स की कैलकुलेट होगी इंटरेस्ट? कितने मंथ्स की होगी? 6 महीने की, ओके। और अगर पर एनम नहीं है तो क्या होगा? पूरे साल की। क्या होगी? पूरे साल की। क्लियर है? ठीक है, ये होगा बेटा। अभी तक मैंने आपको कितने केसेस बता दिए? 8, 2 ये भी तो हो गए, 6 ऊपर, बाकी 2 ये, कितने हो गए? एक और बचता है बेटा इसमें, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। कौन सा? प्रोडक्ट। अब उसको समझना, वो प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है। तो सबसे पहले तो बेटा प्रोडक्ट मेथड के लिए ये अप्लाई कब होगा, ये अप्लाई कब होगा, ये ध्यान रखो। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? हालांकि ये कोई नया मेथड नहीं है, ये कोई नया मेथड नहीं है, पुराना ही मेथड है, लेकिन ये अप्लाई कब होगा जरा समझना। व्हेन अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज डिफरेंट। बेटा क्या है? जब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग क्या हो? डिफरेंट हो। जब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग क्या हो? डिफरेंट, है ना, अलग हो। उसके बाद दूसरा बेटा, व्हेन देयर इज अ डेट। बेटा डेट तो होगी, बट द डेट इज नॉट स्पेसिफिक। बेटा डेट तो होगी लेकिन कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होगी। स्पेसिफिक डेट का मतलब क्या था? हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने के मिड में, हर महीने के एंड में, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के मिड में, हर क्वार्टर के एंड में, यानी कि इस तरह की कोई भी डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ओके, वो कभी भी निकाल लेगा, कभी भी ड्रॉइंग्स कर लेगा वो। तो इस केस में बेटा हम कौन सा मेथड लगाएंगे? प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट का मेथड क्या होता है मैथमेटिकली, मैथ्स में क्या होता है प्रोडक्ट का मतलब? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है बेटा। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे सबसे पहले आपको किसका पता होना चाहिए? अमाउंट का। ठीक है, फिर बताया था आपके पास कोई ना कोई क्या होगा, उसका रेट होगा अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो पार्टनर ने डिसाइड किया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या था बेटा? टाइम अपॉन 12, यही तो बताया था। अब देखो अब क्या होगा बेटा, अब आप क्या करोगे, इस अमाउंट को टाइम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया अमाउंट को, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बेटा अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा यहां पर आपके पास? प्रोडक्ट। अब क्या बचा? रेट अपॉन 100, और ये तो टाइम तो यहां पे खत्म हो गया, तो क्या बचा? 1 अपॉन 12। तो ये फॉर्मूला बेटा बना वहीं से, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बना इसी फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर है? अब जरा देखो एक क्वेश्चन समझाता हूं इसका, एक क्वेश्चन समझाता हूं आपको। ठीक है भाई, मान लेते हमारे पास ड्रॉइंग्स है, यहां पर हमारे पास डेट्स गिवन है, ठीक है, यहां हमारे पास अमाउंट गिवन है, 1 अप्रैल। बेटा 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई है 10,000 की, 1 अप्रैल को कितनी हुई है? 10,000 की। ठीक है, 1 जून को हुई है बेटा 9,000 की, 1 जून को 9,000 की। ठीक है, और 1 नवंबर 14,000, 1 दिसंबर 20,000। ठीक है, और बेटा रेट है हमारे पास, रेट ऑफ ड्रॉइंग है 6% का। ओके, रेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है? 6%। ठीक, क्लियर है?
अब बेटा अब यहां पे देखो, डेट तो है, अब देखते हैं स्पेसिफिक है। अगर हर मंथ का बिगिनिंग होता तो अप्रैल के बाद ऐसे कब करनी होती, मई में, मई गायब है, जून तो है, फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसका मतलब मंथ का बिगिनिंग नहीं है। अब चेक करते हैं क्वार्टर का तो नहीं है, अगर अप्रैल यानी कि पहला क्वार्टर हो गया, लेकिन अगली कब होनी चाहिए थी, फर्स्ट ऑफ जुलाई, लेकिन यहां पे क्या है, फर्स्ट ऑफ जून, यानी कि यहां पर डेट तो है बट डेट स्पेसिफिक नहीं है। तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा, प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में बेटा क्या करा था मैंने, अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करा था, टाइम से। तो अमाउंट तो मेरे पास है, अमाउंट तो बेटा हमारे पास यहां पर है, अब इसको मैं क्या करूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई, तो यहां पर टाइम निकाल लेंगे, टाइम। अब बताओ बेटा यहां पर 1 अप्रैल को ड्रॉइंग हो रही है, 1 अप्रैल को ड्रॉइंग, अब बताओ कितने महीने की इंटरेस्ट पे करेगा यहां पर, 12 महीने की है ना, यहां पर कितने महीने की, 10 महीने, यहां पर कितने महीने, 5, यहां पर कितने महीने, 4। भाई कहां तक काउंट करना है, यहां से 31 मार्च तक, क्लियर है, टाइम समझ में आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दो आपस में, मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास, तो बेटा कितना आ गया, 1,20,000, ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 90,000, ये आ जाएगा कितना, 70,000, ये आ जाएगा कितना, 20,000, ठीक है। मैं यहां पे अगर इसको एक काम करते हैं, हम ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 5,000, ठीक है, वह कितना हो गया, 20,000, क्लियर है। अब इसका सम करो, इसे बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट, 70, 20, 90, 90, 90, 180, 180, 120, 3 लाख, ठीक है, क्लियर, बात आ गई समझ में, फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू। अब बताओ प्रोडक्ट कितना आया, टोटल प्रोडक्ट 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 1/12, 6×2=12, यहां से ये 2 जीरो कैंसिल, 3,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1500, कितना आ जाएगा, 1500, ठीक है, क्लियर है। अगर बेटा आप इसको टुकड़ों में निकालोगे तब भी ये 1500 आएगा आंसर, बट आपको टाइम ज्यादा लगेगा, देखो कैसे, अभी भी वैसे भी बता देता हूं भाई, टाइम देखो कैसे ज्यादा लगेगा, आपने आपने कितना पैसा निकाला था सबसे पहले, 10,000, भाई आपने कितना निकाला था सबसे पहले, 10,000, 10,000 पर आप इंटरेस्ट दोगे कितना परसेंट, 6%, कितने महीने का, पूरे साल का दोगे ना, पहले तो 12 महीने का पे करोगे आप, ठीक है, तो यहां से तो कैंसिल आउट, तो बेटा कितना हो जाएगा ये, 600, कितना हो जाएगा, 600, ठीक, क्लियर है। दूसरा कितना निकाला था फिर, 9,000, 9,000 पे कितना परसेंट, 6%, कितने महीने का, 10 महीने का दोगे ना, ठीक है। अब देखो यहां से 2 टाइम्स आ गया, ये इसके कितना आ गया, 5 टाइम्स, 9×5=45, यानी कि कितना, 450, क्लियर है। अगला तीसरा कितना निकाला था आपने, 14,000 इंटू 6% इंटू 5/12, ये आ गया 2 टाइम्स, यहां से 2 जीरो, ओके 145 ओके सॉरी, ये 2 से यहां से कैंसिल भी होगा, 7×5=35, यानी कि 350, ठीक है। फिर कितने निकाले बेटा, 5,000 इंटू 6% इंटू 4/12, 6×2=4, यहां से कैंसिल, ओके बेटा 52×100, अब जरा चेक करो बेटा, 600, ये देखो ये कितना हो गया, 800, 800, 600, 1400, 1400 और 1500, ठीक है, क्लियर है, बात आ गई समझ में। दोनों से बेटा कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास, 1500 रुपए निकल कर आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज मैंने आपको सिखाई। तो टोटल कितने केसेस बता दिए मैंने आपको, 9, ओके, 3 मंथ वाले, यानी कि बिगिनिंग, मिड और एंड, 3 कौन से, क्वार्टर वाले, अगेन बिगिनिंग, मिड और एंड, 6 हो गए। उसके बाद एक था बेटा जब कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा, अगर उसके साथ परसेंटेज पर एनम है तो कितने महीने का, 6 महीने का, और अगर परसेंटेज है पर एनम नहीं है तो कितना, पूरे साल का। एक कौन सा, जहां पर डेट तो होगी लेकिन डेट स्पेसिफिक नहीं होगी, और अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग हर केस में क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उस केस में प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, बताओ, क्लियर है, आ गया समझ में, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर करना है आपको, ठीक है? देखो सभी लोग, क्वेश्चन है बेटा आपसे, ए ड्रू रेगुलरली 10,000, ए ड्रू रेगुलरली 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम। बताइए जल्दी से आंसर, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करो बेटा, आ गए सबका कितना? ओके चलो देखते हैं एक बार कि भाई आपने सही किया या नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे आंसर तो सबका सब सही आ रहा है ना? देखो जरा एक मिनट, सॉल्यूशन कितना, 10,000 इंटू कितना परसेंट, 6% इंटू कितना, 6.5 अपॉन, बेटा यहां से पॉइंट हटाया, यहां पे जीरो बढ़ा देंगे, ये 30 से 30 क्या हो गए, ये 6 से कितने टाइम चला गया, ये आ गया इससे कितना, 5 टाइम्स, तो 65 इंटू 5 जा 25, कैरी 2, 6 जा 30, 325, बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली ये आपने हर महीने में 10,000 निकाल रहा है वो, तो पूरे साल में कितने निकाल रहा होगा, 1,20,000। इसको अभी भी सही किया जा सकता है, ये एक महीने का आया है, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 12 से। अब यहां पे 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 3 2 जा 6, 5 2 3, तो 0 यहां पे 10 का 0, कैरी 1 कितना, 3900 कितना आ जाएगा, 3900। कैसे कर रहे थे, 325, मैंने भी कह दिया 325 आएगा ना, तो बेटा यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 1,20,000, कितनी आएगी, 1,20,000। अगर पहली कह देते आपका गलत है तो हो सकता है एग्जाम तक भूल जाते, पहले गलती करवाओ बच्चों से, फिर उन्हें बताओ कि भाई ऐसे होगा, तो 325 गलत क्यों, समझ में आ गया, आ गया ना समझ में सबको, ठीक है? तो बेटा ध्यान दिया करो, यहां पर क्या लिखा हुआ था, हर मंथ, क्या था, एवरी मंथ, यानी कि हर महीने में कितने निकाल रहा है वो, 10,000, तो पूरे साल में कितने निकाल रहा होगा, 1,20,000, ठीक है, क्लियर है? अब देखो 1,20,000 यहां पे कब बनेगा, जब ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने यहां पे क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है? ये सिर्फ एक महीने का है बेटा, ये सिर्फ, अगर मैं कह दूं यहां पे ए ड्रू रेगुलरली 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, तब आंसर कितना रहेगा, 325। यहां पर क्या कर रहा था, हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहे, क्लियर है? ओके, अगर मैं कह दूं हर महीने के मिड में निकाल रहा है, तो सिर्फ चेंज कहां पर आएगा बेटा, टाइम में, सिर्फ कहां चेंज आएगा, टाइम में, यानी कि कितना, 6/12। अगर हर महीने के एंड में निकाल रहा है, तो क्या चेंज आएगा, और एक और चेंज आएगा, ये वाला चेंज भूल मत जाना, या कितना आएगा, 1,20,000, पता चला 10,000 ही लिख के कर दिया, है ना, क्लियर है? आगे बात समझ में, तो गलती जब करता है बच्चा, तो उसे बाद में पता रहता है, हाँ ये मैंने मिस्टेक की थी, ठीक? तो बेटा ये था हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो एक केस और बता रहा हूं, है ना, एक केस और बता रहा हूं, वो भी जरा सीख लो। वो केस ये है बेटा, कभी कभी क्या होता है, टाइम पीरियड 6 मंथ्स का होता है, कभी कभी टाइम पीरियड क्या होता है, 6 मंथ्स का, तो बेटा 6 मंथ्स का हो, 9 मंथ्स का हो, कितना भी हो,
हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, भाई हमने टाइम पीरियड कैसे निकाला था, पहली ड्राइंग करने के बाद जो टाइम पीरियड बच रहा है वो, और आखिरी ड्राइंग करने के बाद जो टाइम पीरियड बच रहा है वो, उसको डिवाइड किससे कर दिया, 2 से, है ना। अब देखो इसमें अगर मैं केस बनाऊं, इसमें केस बनाऊं तो केस क्या कह रहा है, वही सबसे पहला कौन सा था, अमाउंट विदड्रॉन, अमाउंट विदड्रॉन इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के किसमें बेटा, हर मंथ के किसमें, बिगनिंग में, हर मंथ के किसमें, बिगनिंग में। अब देखो तो हमारा टाइम पीरियड कितने महीने का है, 6। तो बेटा अब हमारे पास क्या होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 6 महीने कहां कंप्लीट होंगे, 30 सितंबर को कहां कंप्लीट होंगे। ओके तरीका वही रहेगा, देखो क्या कह रहा है, हर महीने के किसमें, बिगनिंग में। तो बताओ पहली ड्रॉइंग कब कर रहे होंगे हम, पहली ड्रॉइंग कब कर रहे होंगे बेटा, 1 अप्रैल को। अब बताओ 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने महीने हो गए, 6 महीने पहली ड्रॉइंग। आखिरी ड्रॉइंग कब होगी, सितंबर में, सितंबर के किसमें, बिगनिंग में। तो क्या मिलेगा हमें, 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना हो गया, 3.5 अपॉन में 12 रहेगा, क्योंकि मैंने बताया अपॉन में 12 हमेशा रहेगा। ठीक है, क्लियर, ये नहीं कि 6 महीने का निकले तो 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कितना रहेगा, 12। क्लियर है। अगला, अगर मिडिल की बात करें तो, अगर मिडिल की बात करें तो बेटा क्या होगा, मिडिल की बात करें तो क्या होगा, यहां पे डेट क्या हो जाएगी, फर्स्ट की जगह 15 अप्रैल क्या हो जाएगी, 15 अप्रैल। तो क्या बच रहा होगा, 5.5 महीने, और यहां पर कितना बच रहा होगा, आधा महीना डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, 3/12। ठीक है, और जब एंड की बात होगी तो यहां 5.5 की जगह क्या बच रहा होगा, 5, और वहां पर क्या बच रहा होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना, 2.5 अपॉन 12। अगर ध्यान हो बेटा, मंथ वाले केस में पहले में प्लस हो रहा था 1, है ना, दूसरे में क्या हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा था, 0, यही तो प्लस हो रहा था, दिखाऊं क्या, पता है ना, मंथ वाले केस में। क्लियर होगी इतनी बात। तो बेटा अगर टाइम पीरियड 6 मंथ्स का होगा तो टाइम पीरियड उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ए ड्रू रेगुलरली 6000, ए ड्रू रेगुलरली 4 लिख लो उसको, ए ड्रू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग, फॉर 6 मंथ्स एंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, करो कैलकुलेट इंटरेस्ट। बेटा ए 4000 रुपए हर महीने के शुरुआत में निकाल रहा है, 6 महीने का टाइम पीरियड, इंटरेस्ट है 6%, बताओ जल्दी से है, अरे ये क्या बता रहे हो तुम, 420 अपने बारे में है, 740, देखो उनका 740 है, 840, लो 840, चलो देखते, और कुछ बच्चों का तो आ ही नहीं रहा, वो तो ये कह रहे सर आप ही कर दो, नींद आ रही है, चाय पिलाओ, कॉफी ठंडा गरम, आग जलवा दूं यहां पे, चलो देखो सबसे पहले बेटा कितने रुपए निकाल रहा है वो, सबसे पहले एक काम कर देना, 6 से मल्टीप्लाई कर लेना इसको, किसी ने 12 से तो नहीं करा, कितने से करा है, 12 से, क्यों, अब टाइम पीरियड कितने महीने का है, 6 महीने का, ठीक है, ओके। तो कितना हो गया अमाउंट, कितना हो गया 24000, रेट कितना, इनटू 3.5 अपॉन, पॉइंट हटाए यहां पे, यहां से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 × 6 × 35, तो हो जाएगा 420 रुपए। ठीक है, हाँ तो मैंने ये कहा था गलत है, मैंने कहा था गलत है, बताओ समझ में आ गया। तो बेटा अगर पूरा साल होता तो यहां पे मल्टीप्लाई हम 6 की जगह किससे करते, 12 से, या 6 महीने का टाइम पीरियड तो किससे कर रहे हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन लिखो,
एक्स ड्रू रुपीज 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। उबैदुल्ला 780 नहीं आएगा उबैदुल्ला, अब देख लिया आपने सॉल्यूशन, क्लियर है अब उबैद? बताओ जल्दी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी आपका 6%, बताओ। एक बच्चे ने आंसर करा है जी 3000, और बाकी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे भी आंसर करें जल्दी से। अरे बड़ा क्वेश्चन हो गया कि, अच्छा अरे कैलकुलेटर, मैं तो सॉल्व करूंगा 1.25। हाँ सही है तुम्हारा, चेक करते हैं। देखो हमारे पास अमाउंट है बेटा 30,000, पहले तो ये निकाल लेना 30,000 कैसे आया, कैसे आया 30,000 इंटू फोर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 7500 को 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या गलती कर दी, क्यों नहीं करा, समझ में आ गया 4 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं क्वार्टर की, है ना। 30,000 इंटू रेट कितना 7.5/12, यहां से कैंसिल आउट, 6 2 जा और बेटा आ जाएगा 15, 75 × 15, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 37, 5 और 7 5 2 और 11 11 25, बताओ क्लियर है, आ गया समझ में बेटा। यहां मल्टीप्लाई समझ रहे हो, पहले 6 से क्यों करा, क्योंकि क्या था 6 महीने का टाइम पीरियड था, 12 से क्यों करा क्योंकि पूरे साल का टाइम पीरियड था, यहां पर 4 से क्यों करा क्योंकि किसकी बात चल रही थी क्वार्टर की बात चल रही है, बताओ क्लियर है सभी को, आ गया ना समझ में, ठीक है। तो बेटा ध्यान दो किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, वैसे ही हमको आंसर करना है। हाँ जी उबैदुल्ला ने बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही बताया, 1125 रुपए, ठीक है। तो बेटा ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बेटा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, ठीक है, ओके। तो बेटा ये रहा हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अगर बेटा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपसे रिलेटेड कोई भी हम वीडियो लेकर आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ओके। और जैसे ही एंट्रेंस की डेट आएगी बेटा, वो आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।